स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, आज हम एमएस वर्ड में अलाइनमेंट सीखेंगे कि अलाइनमेंट क्या होती है। तो चलिए आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अलाइनमेंट कितने टाइप की हमारे पास होती है ये हम पहले जान लेते हैं। अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे बेसिकली चार टाइप की होती है। नंबर 1, लेफ्ट अलाइनमेंट। नंबर 2, सेंट्रल अलाइनमेंट। नंबर 3, राइट अलाइनमेंट। एंड नंबर 4, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये चार टाइप की हमारे पास अलाइनमेंट यहाँ पे रहती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि यार ये अलाइनमेंट हमारे पास बेसिकली क्या चीज होती है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये समझिए हमारा क्या है, नोटबुक का पेज है। ये भी नोटबुक का पेज है, ये सभी नोटबुक के पेज है। ठीक है, अब लेफ्ट अलाइनमेंट क्या हुआ? अलाइनमेंट आप ध्यान से समझिएगा, अलाइन अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ? अलाइन, ये अलाइन है। अलाइन का मतलब क्या हुआ? एक अलाइन में चीजें रखना। ठीक है, ये एक अलाइंड है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइन। तो ये क्या है, अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट। अब लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या क्या होगी, चीजें लेफ्ट अलाइंड रहेगी। ठीक है, एक बराबर में। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एकदम अलाइंड है और यहाँ पे ये कुछ आगे पीछे है। ठीक है, अब ये बिल्कुल लेफ्ट में अलाइंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, सेम टू सेम वैसे राइट अलाइनमेंट के लिए रहेगा। इसमें क्या होगा, राइट साइड पे एकदम अलाइंड रहेगा हमारा टेक्स्ट और बाकी जगह कोई गारंटी नहीं अपनी क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए, अब जो ये टेक्स्ट है ये एकदम अलाइंड है। कौन सी साइड में, राइट साइड पे, नोटबुक की राइट साइड पे या पेज की राइट साइड पे या कोई भी नोट के राइट साइड पे ये अलाइंड है। तो ये क्या है, ये है राइट अलाइनमेंट। ठीक है, अब जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई होता है गाइस जहाँ पे राइट और लेफ्ट दोनों अलाइनमेंट हो। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट प्लस राइट अलाइनमेंट, ये दोनों अलाइनमेंट क्या कहलाती है हमारी, जस्टिफाई अलाइनमेंट। यहाँ पे क्या हो गया, राइट साइड भी होगा अलाइंड और लेफ्ट साइड भी हमारा टेक्स्ट अलाइंड होगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अलाइंड है और यहाँ पे भी हमारा अलाइंड है। अब आया हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट। ये क्या होती है, इसमें सिर्फ सेंटर में अलाइंड होगा इस तरीके का। अब देखिए, सेंटर है यहाँ पे तो अलाइंड रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है लेफ्ट साइड की, कोई गारंटी नहीं है आपकी राइट साइड की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। एक बार फिर से इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट। अब ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट है तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे ये एकदम हमारा टेक्स्ट यहाँ पे अलाइंड है, बट आप देख सकते हैं राइट साइड पे ये यहाँ पे खत्म हुई लाइन, ये यहाँ पे लाइन खत्म हुई और ये लाइन यहाँ पे खत्म हुई, बट लेफ्ट में ये सारा एकदम अलाइंड है। तो ये क्या हुआ हमारा, लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था राइट साइड पे टेक्स्ट हमारा यहाँ पे अलाइंड रहेगा। ये देखिए, ठीक है, एकदम अलाइंड है यहाँ पे, बट लेफ्ट साइड पे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट खत्म है, यहाँ पे टेक्स्ट खत्म है और यहाँ से टेक्स्ट शुरू है। तो ये क्या हुआ, राइट अलाइंड टेक्स्ट। ठीक है, एकदम यहाँ पे अलाइनमेंट है। वैसे सेम टू सेम सेंट्रल अलाइनमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें ना ही राइट का कोई लेना देना है ना ही कोई लेफ्ट का लेना देना है, दोनों में से देखो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे ना लेफ्ट में अलाइंड है ना ये राइट में अलाइंड है, ये सिर्फ सेंटर में अलाइंड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, सेंट्रल अलाइनमेंट टेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा जस्टिफाई। अब जस्टिफाई मैंने क्या बताया था आपको, लेफ्ट अलाइनमेंट प्लस राइट अलाइनमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा हमारा, लेफ्ट में भी अलाइंड रहेगा और राइट में भी अलाइंड रहेगा। ठीक है, ये देखिए ये एकदम अलाइंड है, ये देखिए ये भी एकदम अलाइंड है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो यहाँ पे है क्योंकि यहाँ तक टेक्स्ट यहीं तक ही हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर टेक्स्ट ज्यादा होता तो ये यहाँ पे अलाइंड हो जाता। ठीक है, तो ये है हमारे पास जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास चार अलाइनमेंट होती है, ये वाली, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड, ये देखिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल हम सीख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट मैंने ले रखा है ये वाला। ठीक है, अब देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास अलाइनमेंट रहती है वो कौन सी रहती है, वो रहती है ये वाली।
लेफ्ट अलाइनमेंट आपने बुक में भी देखा रहेगा, ये क्या है, हम कौन से साइड पे अलाइनमेंट रखते हैं अपनी, लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे रखते हैं ना अपनी अलाइनमेंट हम, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, ये देखिए एकदम। बट लाइन अपने राइट साइड पे देखिए आप, टेक्स्ट आगे पीछे है, ठीक है। अब ये अलाइनमेंट हमारी कहाँ पे आती है, ये आती है हमारे होम टैब में। होम टैब में जाके आप पैराग्राफ यहाँ पे ग्रुप में, यहाँ पे देखिए आपकी अलाइनमेंट आपके पास यहाँ पे, ठीक है। होम टैब में जाएंगे हम, ये देखिए होम टैब में, उसमें पैराग्राफ ग्रुप में, यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा है ना, यहाँ पे आपको देखो डेमो भी बताया गया है, ये क्या है, ये हमारी राइट ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये हमारी राइट अलाइनमेंट है, ये हमारा बीच में सेंटर अलाइनमेंट है, और ये वाला जस्टिफाई है, ठीक है। अब देखते हैं करके, ये देखिए अभी तो ये इस वाले पैराग्राफ को, ये देखिए अभी लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, राइट अलाइनमेंट कर देता हूँ यहाँ से, देखिए हो गया राइट अलाइनमेंट। अब देखिए यहाँ पे अलाइंड है बट लेफ्ट में ये अलाइंड नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार इसको देखते करके, इसको अब मैं लेफ्ट अलाइनमेंट कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया, ये देखिए हो गया हमारा लेफ्ट अलाइंड। अब देखिए मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए इनमें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दिए गई है, ये कौन सी लेफ्ट, एक बार फिर से देख लीजिए राइट, ये सेंटर एंड ये जस्टिफाई, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट सेटिंग करने के लिए ऑप्शन है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, होम टैब में, फिर से देख लीजिएगा होम टैब में, होम टैब में आपके पास पैराग्राफ, हमारे पास एक ग्रुप होता है, वहां पे ये चारों अलाइनमेंट हमारी होती है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट, ये देखिए अब देखिए ना राइट में कोई हमारे पास है, ना लेफ्ट में हमारे पास कोई लाइन अलाइंड है, सिर्फ बीच में सेंटर में हमारे पास ये अलाइनमेंट है, ठीक है। अब जस्टिफाई करके देखते हैं, जस्टिफाई में मैंने क्या होता, अब राइट में भी अलाइंड हो जाएगा टेक्स्ट और लेफ्ट में भी हमारे पास अलाइंड हो जाएगा टेक्स्ट, तो ये वाला है देखिए यहाँ, है ना, ये वाला करके देखते एक बार फिर से, इसको मैं करता हूँ क्लिक, ये देखिए, ठीक है। अब मेरा इस साइड भी अलाइंड हो गया टेक्स्ट और इस साइड भी अलाइंड हो गया मेरा टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी अलाइनमेंट सेट करते हैं एमएस वर्ड में। और ये कितने टाइप की होती है हमारे पास, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। और ये हमको कहाँ मिलती है एमएस वर्ड में, आप जाएंगे फिर से देखिए होम टैब में, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में, और यहाँ पे आपके पास ये चारों अलाइनमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो इस टॉपिक के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।